नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो बजट पर केंद्रित है। आज हम बात करेंगे बजट और उद्योग जगत की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट से उद्योग जगत को कई आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SP शर्मा जी मुख्य अर्थशास्त्री हैं, PhD CCI के, जो मेरे साथ स्टूडियो में, आपका स्वागत है SP शर्मा जी। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर नागेश कुमार जी से, जो निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी हैं ISID से। आपका स्वागत है नागेश जी। और शुरुआत नागेश जी मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि बात बजट की है, अंतरिम बजट है। जाहिर तौर पे चुनावी साल है, इसलिए अंतरिम बजट भी खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उद्योग जगत के लिहाज से। इस बार की जो बजट है उससे आप क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूती मिल सकती है? उद्योग जगत को क्या आशाएं हैं? देखिए मनोज जी, ये जो आप, जैसे आपने कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट है, ये कोई फुल फ्लेज बजट नहीं है जी, तो उस तरह से उसमें एक लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं इस बजट से। लेकिन फिर भी जो एक स्टिमुलस पिछले बजट में वित्त मंत्री ने दिया और जिससे उद्योग जगत की, इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है, उसका डायनेमिज्म है, उसको बढ़ाने में मदद मिली, वो थी कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपेक्स को दिया। 10 लाख करोड़ रुपए का उसमें एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स के लिए और कैपिटल स्पेंडिंग के लिए उन्होंने रखा जी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम जनरेट किया था उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत अच्छा कदम था पिछले बजट का, जिसे इस बजट में आगे बढ़ाना चाहिए और उससे उद्योग जगत की प्रगति में और जो मोमेंटम जनरेट हुआ है उसे आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो अगर उस मोमेंटम को बढ़ाया जाए, जैसे 10 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 10 लाख करोड़ रुपए का जो पिछले बार का प्रावधान था, उसमें 8-10% और बढ़ोतरी करें तो 11 लाख का अगर करें वित्त मंत्री उसको, तो और अच्छा एक मैसेज जाएगा और जो मोमेंटम पिछली बार उन्होंने जनरेट किया था वो आगे बढ़ेगा। और उससे जो हमें पीछे देखने में आया कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 11% से भी ज्यादा बढ़ी अक्टूबर में, जो लास्ट नंबर पाए थे, तो ये इस तरह की जो गति आई है औद्योगिक प्रगति में उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे हमारे देश में रोजगार के, अच्छे रोजगार के, डिसेंट जॉब्स जिन्हें कहते हैं, उनके अवसर बढ़ते हैं जी। बिल्कुल नागेश जी, तमाम पहलू हैं, वो भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर SP शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अगर इस सरकार के दूसरे कार्यकाल की हम बात करें, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उद्योग जगत के लिहाज से बात की जाए और पूरी मानव जाति के लिहाज से बात की जाए, तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आई कोरोना संक्रमण के रूप में, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई, कयास लगाए गए कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, 2 साल करीब प्रभावित हुए। लेकिन देखने में आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारत के उद्योग जगत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? वो कौन से कारण रहे, वो कौन सी सरकार की योजनाएं रहीं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया? जी बिल्कुल मनोज जी, पहले तो बताना चाहूंगा कि जो कोरोना काल था वो बहुत ही वो संकट लेके आया जो पूरे विश्व में, और जिससे उभरना बहुत मुश्किल था। सभी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही डिसेलिरेट कर रही थी, हमारी इकोनॉमी भी गिरी, हमारा GDP भी नेगेटिव ग्रो किया। लेकिन सरकार की जो हैंड होल्डिंग थी, जो सरकार ने उस टाइम पे रिफॉर्म्स अनाउंस की, एक खेतीबाड़ी सेक्टर से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तक सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की, MSME के लिए रिफॉर्म्स की, बड़े एंटरप्राइजेस के लिए रिफॉर्म्स की, ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस के लिए रिफॉर्म्स की,
तो उन्हीं रिफॉर्म्स के मद्देनज़र हम अगले ही क्वार्टर में, जब हमारा नेगेटिव ग्रोथ आया था 20% से भी ऊपर, अगले ही क्वार्टर में हम पॉजिटिव में उभर पाए थे। और हमें एक ऐसी अपेक्षा थी कि हम बहुत अच्छे से आगे ग्रो करेंगे और हमारी जो ग्रोथ है वापस वो इंटैक्ट रहेगी और जैसे हम पहले ग्रो कर रहे थे उससे भी तेज़ गति से हम ग्रो कर पाएंगे। लेकिन हम कोरोना से उभरे ही नहीं थे कि उसके बाद हमारे पास जियोपॉलिटिकल संकट आ गए, हमारे पास रशिया और यूक्रेन आ गया, जिससे फिर एक चैलेंज हो गया, जो कॉमोडिटी प्राइसेस एस्केलेशंस हुए, कॉमोडिटी फ्रेगमेंटेशंस हुई, एकदम से प्राइस जो तो स्काई रॉकेटिंग थे, आपने देखा कि इन्फ्लेशन जो था हमारा WPI इन्फ्लेशन ही 16-17% के ऊपर चला गया था और CPI इन्फ्लेशन भी 7% से ऊपर था। तो सरकार ने उसको बड़े ही अच्छे कैलिब्रेटेड तरीके से, सरकार ने RBI ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए और उस काल में भी हम जो कोरोना के बाद जो बाद के साल में जो उभरे हम 21-22 में, हमारा ग्रोथ जो था 9% से ऊपर था जी। और इस हाई ग्रोथ के ऊपर, चलो भले ही वो एक लो ग्रोथ के ऊपर हमने एक बेस इफेक्ट की वजह से एक अच्छा ग्रोथ किया, लेकिन उसके ऊपर फिर हम 7.2% के ऊपर लास्ट ईयर ग्रो किए। और इस साल के जो आंकड़े हैं NSO ने जो दिए हैं 7.3% के ऊपर हम ग्रो करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हम एक विश्व में एक ग्रोथ लीडर हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है पूरे लीडिंग इकोनॉमीज में। और यहाँ पे मैं एक बहुत एक पते की बात बताना चाहता हूँ कि जो सरकार की रिफॉर्म्स थी, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने PLI स्कीम अनाउंस की, जो MSMEs के लिए रिफॉर्म्स किए, उनसे हमें एक्सटर्नल मोमेंटम भी मिला। अभी हम खाली एक GDP में ग्रोइंग इकॉनमी नहीं है कि वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकॉनमी, वी आर द लीडर इन दी GDP ग्रोथ। हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर आप पिछले 2 साल में देखें जी, वो टॉप 20 जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा था। हम पिछले 2 साल में ऑन एन एवरेज 14-15% के ऊपर एक्सपोर्ट्स में भी ग्रो किए। हमारा एक्सपोर्ट जो था पिछले साल में $770 अरब हमारा एक्सपोर्ट रहा। तो ये जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने बजट की अगर हम बात करते हैं, बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो 20-21 लाख करोड़ का हमारा बजट था 2019-20 में, जो अभी बढ़ के लगभग पिछले साल सरकार ने 45 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट दिए। तो इसमें हम बहुत सराहना करते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से हैंड होल्डिंग दी है इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर के सेक्टर के बारे में अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो था वो 3% से ऊपर था, जो पहले कभी नहीं हुआ कंसिस्टेंटली। एक बार ग्रोथ आती है उसके बाद फिर नेगेटिव में, या 1-2 साल के बाद ग्रोथ डेसिलरेट हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। तो हम कंसिस्टेंटली 4-5 साल में एग्रीकल्चर में 3% से ज़्यादा ग्रो कर पाए। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो $30 अरब से बढ़ के 19-20 में, फिर $40 हुआ 21-22 में, फिर $50 अरब से भी ज़्यादा हुआ पिछले साल में, तो एक बड़ा मोमेंटम है उसमें, जो फूड प्रोसेसिंग और एग्री के एक्सपोर्ट्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में जी। तो अब आने वाले टाइम में जो सरकार की जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे नागेश जी ने कि कैपेक्स जो सरकार ने 10 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरकार ने एक एलोकेशंस दी, उनके बहुत अच्छे सपोर्ट मिली है इंडस्ट्री को, जिससे कि मैं ये कहूंगा कि ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई इकॉनमी में, और उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है जी। अगर हम उसके ऊपर विराम लगाएंगे तो उसे थोड़ा चैलेंज आएंगे। तो हमें लगभग कोई, जहां तक हमारी आशा है कि 10 से 12 लाख करोड़ से ऊपर का भी जो है कैपेक्स होना चाहिए। बिल्कुल एसपी सिंह जी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कृषि क्षेत्र जो है वो हमेशा से एक अच्छा योगदान देता रहा है देश की अर्थव्यवस्था में। लेकिन डॉक्टर नागेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बात आत्मनिर्भर भारत की है, प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पे जोर उन्होंने दिया है, उनके सरकार ने तमाम योजनाओं को शुरू भी किया कि देश आत्मनिर्भर बने। हमारे देश का सर्विस सेक्टर जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन एक सवाल कुछ साल पहले तक उठता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, इसमें क्या बदलाव आया और आगे क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो जॉब क्रिएशन या रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, स्पेशली जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि जो हाई स्किल्ड वाले हैं उनको सर्विसेज सेक्टर में बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं जी। लेकिन जो सेमी स्किल्ड लोग हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, उनके लिए कहाँ जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे? और वो उस समय आप सोचें तो सिर्फ उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग का ही दिमाग में आता है। तो सरकार की सोच वहां तक गई कि हम अब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें, मेक इन इंडिया शुरू किया,
उसके बाद उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब रिफॉर्म्स की बात जैसे शर्मा जी ने की तो वो किया गया, और फिर बाद में कोविड के पैकेज के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत था उसमें बड़ी भारी स्कीम पीएलआई लाई गई, जिसमें 14 जो सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिसमें हमें अपने लोकल इंडस्ट्री लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की जरूरत महसूस दी, और वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी या कुछ किसी चीज के लिए हम बाहर के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिवाइजेशन शुरू किया, और उसके परिणाम एक एक करके सारे सेक्टर्स में आप देखें तो कुछ ना कुछ उसके नजर आने शुरू हो गए। अब जैसे ये मोबाइल फोन्स, इतना बड़ा मार्केट इसका बन गया है कि करोड़ों की तादाद में मोबाइल फोन बनते हैं, भारत सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है मोबाइल फोन का, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन गया है। पहले हम सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट थे इंपोर्ट के बेसिस पे, तो सारा इंपोर्ट आते था ये मोबाइल फोन का, अब हम प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट हम इसके मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं। तो इस छोटा सा इंसेंटिव जो पीएलआई में दिया जाता है उससे एक कंपनीज को आश्वासन मिलता है कि सरकार इस चीज को आगे बढ़ाएगी, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगी और इसमें हम इन्वेस्ट करें। तो अभी इतना असेंबलिंग शुरू हो गया है, एप्पल सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, अपने असेंबलिंग को स्थापित कर चुके हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद क्या होना है कि अभी वो असेंबलिंग जो शेलो टाइप की असेंबलिंग लगती है जी। लेकिन धीरे धीरे उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वैल्यू एडिशन बढ़ना शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों में ये जो इनके वेंडर्स हैं एप्पल के और सैमसंग के वो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे, और उस कंपोनेंट बनाने से हमारा जो वैल्यू एडिशन है उस असेंबलिंग का वो भी बढ़ेगा। और एप्पल ने तो कहा है कि वो 25% अपना ग्लोबल प्रोडक्शन भारत में करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी जो नई योजना शुरू की गई जैसे यू नो पीएलआई, लेकिन सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया वो है, ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है, तो और बैटरीज के लिए एक पीएलआई है, तो इनसे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो और साथ में वो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो जो हमारे क्लीन ट्रांजिशन के जो टारगेट्स हैं, नेट जीरो के जो टारगेट्स हैं वो भी साथ में पूरे हों, और अच्छे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी डिसेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। तो एक मोमेंटम जो क्रिएट किया जा रहा है मुझे लगता है कि इसे इस बजट से थोड़ा और बढ़ाया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग हो रही है उससे भी बहुत इसको स्टिमुलस मिलता है। एक तो जो हमारे जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं जहां जहां पे सड़कों का आधुनिकरण होना है या रेलवे की हाई स्पीड ट्रेन चलनी है या जो भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो उससे जो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग को रोकती थी या उसके आड़े आती थी वो भी दूर हो जाएगी, जो बॉटलनेक्स हैं वो खत्म हो रही है, और उसका जो कैपेक्स का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ और डिमांड साइड बढ़ाने में स्टिमुलस की तरह से काम करता है। तो इसका बहुत अच्छा जैसे शर्मा जी ने कहा कि ब्रॉड बेस्ड उसका इफेक्ट होता है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि उस दिशा में ये आने वाला बजट और जो फुल बजट होगा जुलाई में उनसे दोनों से इसको और इस मोमेंटम को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नागेश जी, मैं एसपी शर्मा जी आपसे अगर डिमांड का मुद्दा समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नागेश जी आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो करा है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी संभावनाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से बन रही हैं, खासतौर से अगर बात मैं इलेक्ट्रिक वाहन की करूं उस दृष्टि से भी भारत में एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है, और तेजी से सरकार काम उस दिशा में कर भी रही है। इस सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं, रोजगार की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं आगे की? नहीं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भारत एक बड़ी शक्ति बनके उभरा है, खासतौर से
टू व्हीलर्स और कॉम्पैक्ट कार्स के लिए। अभी आपने देखा होगा कि ह्युंडई जैसी कंपनियां भारत को एक ग्लोबल बेस की तरह से यूज कर रही हैं, यहाँ पे जो छोटी कारें उनकी हैं वो बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, सुजुकी भी ऐसे करती है। तो और टू व्हीलर्स में तो हम बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हो गए हैं, आई थिंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टू व्हीलर्स। अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि हमें सबको नेट जीरो के टारगेट पूरे करने हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान जा रहा है। और उस तरफ भी जो हमारी देसी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा मोटर्स हो, तो वो अपने मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो उसमें बैटरीज लगती हैं, जो की कंपोनेंट है बैटरी उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसमें अभी हमें लोकलाइजेशन की दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। उस लिए भी एक PLI स्कीम है, जो एडवांस केमिस्ट्री बैटरी की, तो उस बैटरी की जो PLI के अंदर काफी सारा निवेश होना शुरू हो गया है। टाटाज का प्रोजेक्ट है और कई कंपनीज आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में हम एक बड़े बैटरीज के प्रोड्यूसर बनके उभरेंगे। उससे जो EVs की ग्रोथ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और ऑटोमोबाइल्स की जो ग्रोथ है, उसे बढ़ाने में, बहुत तेजी से बढ़ाने में गति मिलेगी। और मैं समझता हूं कि अगर भारत दो पहिए के मोटर व्हीकल्स और कॉम्पैक्ट कार्स में ग्लोबल लीडर बन चुका है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट कार्स में भी एक ग्लोबल लीडर बनना चाहिए। और ये टारगेट अचीव किया जा सकता है अगर बहुत अच्छी एफिशिएंट बैटरीज का प्रोडक्शन देश में शुरू हो जाए, बिकॉज ये जो असेंबलिंग का काम तो इन कंपनीज ने काफी अच्छी तरह से संभाल लिया है, सिर्फ एक ही हिच है जो बैटरीज की, और बैटरीज में भी निवेश शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों में काफी प्रगति इसमें देखने में आएगी। जी अब बात SP शर्मा जी आती है सप्लाई और डिमांड की, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, देश के उद्योग जगत की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो डिमांड का मुद्दा जी वो दोनों नजरिए से अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों और कैसे, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सप्लाई साइड पर सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स की हैं, डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स की हैं। और सप्लाई से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारा GST कलेक्शन जो है मंथ आफ्टर मंथ काफ़ी अच्छी तेज गति से बढ़ रहा है। और डिमांड साइड से हम देखते हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ है बहुत अच्छे से इंटैक्ट है, खासकर कार की बिक्री ज़्यादा है उसमें। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही एक आने वाले टाइम में अच्छी दिशा दिखाता है कि हम बड़े अच्छे से आगे GDP में ग्रो करेंगे और हम एक ग्रोथ लीडर रहेंगे, हमारी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। IMF ने भी ये जताया है कि भारत एक ग्रोथ लीडर है और आने वाले टाइम में हमारी जो ग्रोथ है टॉप 10 इकोनॉमीज़ में सबसे अव्वल रहेगी। चाइना हमारे से काफ़ी पीछे है, चाइना लगभग कोई 4% पे ग्रो करेगा अगर हम 5 साल के आगे के आंकड़े देखें, और इंडिया जो है ऑन एन एवरेज 6% से भी ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन इस समय पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस ट्राजेक्टरी को हम कैसे सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करना होगा अपनी लोअर इनकम और मिडल इनकम ग्रुप्स को, जिनसे डिमांड ज़्यादा आती है, जो डिमांड को आगे सपोर्ट करते हैं, जो डिमांड को आगे इंटैक्ट रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो बोझ है, जो इन्फ्लेशन का आया, जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, या फिर जो इनकम्स हैं, इनकम लेवल्स हैं, उससे जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, अभी भी जो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनके पास बहुत ही कम मात्रा में डिस्पोजेबल इनकम रह जाता है। खर्च करने के लिए बहुत ही कम पैसा जो है हाथ में होता है, जिसे कुछ ज़्यादा वो मार्केट में ड्यूरेबल्स और सब चीज़ें ऐसी खरीद पाएँ। तो हमें उनको सपोर्ट करना होगा। अगर हम मिडिल इनकम्स को, खास करके जो हम पीक टैक्स रेट जो 15 लाख के ऊपर ही हम 30% लगा रहे हैं,
उसमें हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसमें ज़रूर कुछ राहत होनी चाहिए डिमांड को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर डिमांड होगी तभी जाके मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी। अब मैन्युफैक्चरर जो है आगे अपने कैपेसिटी बिल्डिंग तभी करेगा जब डिमांड होगी जी। और डिमांड सीधे तौर पे आप देखते हैं कि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, सीधे तौर पे 50 लोगों की जो डिमांड है वो तो एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो तभी आएगी। एग्रीकल्चर में ग्रोथ इंटैक्ट है, चलो उसमें एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। हमें टैक्सेशन सिस्टम में डायरेक्ट टैक्सेस को हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें जो पीक टैक्स है उसका जो स्लैब है आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा, जैसे अभी नागेश जी ने बात की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, ईवीज़ की बात की कि ईवीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छे फ्रंटियर्स आगे ओपन अप हो सकते हैं, तो इसमें भी आगे इसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए इसको इंसेंटिवाइज करना कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करेगा उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स रखना, ऐसी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं जिससे कि जो डिमांड को और सपोर्ट करेंगी, क्योंकि डिमांड को सपोर्ट करना हमारे लिए सबसे अति ज़रूरी है, वही मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा जी। जब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी तो वो देन दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर फैक्ट्रीज, तभी तो जाके वर्कफोर्स वहाँ पे शिफ्ट होगी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो ऐसे सीधे तौर पे शिफ्ट नहीं, जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग्स नहीं होंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशंस नहीं होंगे, तब तक जो मैन्युफैक्चरर्स है वो और वर्कफोर्स को अपने फैक्ट्रीज में डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, तो डिमांड की वजह से ही वो आएंगे। जब हम डिमांड को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे और मिडिल इनकम्स को लोअर इनकम्स को सपोर्ट करेंगे तभी जाके डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो जो और ज़्यादा एक्सपेंड होगी। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो सप्लाई साइड की आपने बात की, सप्लाई में बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हुई हैं, सरकार ने लगभग कोई 40,000 कंप्लाइंसेस को रिमूव किया है जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ही अटकलें आती थी, और लगभग कोई 3400 ऐसे कानून है जो डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं। लेकिन अभी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री में, कॉस्ट को हमें और ज़्यादा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। जो ये 5 कॉस्ट हैं, जो एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस है जिसको हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई को रेपो रेट इंक्रीज़ करना पड़ा जिससे कि फंड्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, चलो मानते हैं कि हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, इन्फ्लेशन अभी हमारा बहुत ही बेनाइन कंडीशंस में है, आगे जाके और इम्प्रूव होगा। तो दूसरा जो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस, उसके ऊपर सरकार बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी दी है जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं लगभग कोई 10-11% के ऊपर आ गए हैं, पहले ये 14-15% होते थे। लेकिन अभी जो कॉस्ट ऑफ पावर है उसको भी हमें देखना चाहिए, उसके ऊपर एक मेजर फोकस के कॉस्ट रैशनलाइजेशन हो, पावर रेट्स में एक अच्छा सिंक्रनाइजेशन हो। स्टेट्स में बहुत डिस्पैरिटीज रहते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा पावर रेट्स हैं, किसी में बहुत कम है या रेशनल है, तो उनमें हमें सिंक्रनाइज करना होगा। और फिर कॉस्ट ऑफ ये स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि जब वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता तो वो कॉस्ट एस्केलेट्स होती है, कई बार कॉस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स ना मिलने से उसकी कॉस्ट पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शंस नहीं हो पाते। तो इन सब कॉस्ट को अगर हम अच्छे से एड्रेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और भी ज़्यादा रेशनल होगी, और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जिसको हम प्राइस कॉस्ट मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर्स कि उसको कितना बचा अंत में, तो वो जब ज़्यादा बचा पाएगा तो उसका जो सेंटिमेंट फॉर प्रोडक्शन है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, हम फिर अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे और भी ज़्यादा। जो सरकार का लक्ष्य है कि हम $2 trillion 2030 तक करना चाहते हैं, जिसमें $1 trillion जो है सर्विसेज से आएगा, $1 trillion जो है मर्चेंडाइज से आएगा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर को और अच्छे से एड्रेस करना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, हम बहुत अच्छे से इंप्रूव किए हैं, वो आंकड़े भी बताते हैं, 142 से हम 63 रैंक पर आए, और उसे उस मैक्रो नंबर की बात नहीं है। अगर हम फैक्ट्रीज में हमारे पास जो अभी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं या हमें जो फीडबैक है, तो इंडस्ट्री का मानना है कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुई हैं, जो कॉस्ट थे वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस हुए हैं, और हमारा जो इंटरफेस है सरकार के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसको कॉस्ट को और ज़्यादा रैशनलाइज करें उसके लिए कदम उठाएं। एक बात और समझना मैं चाहता हूं, क्योंकि रियल इस्टेट की बात होती है, टूरिज्म सेक्टर की बात होती है, हेल्थ सेक्टर की बात होती है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आया, और सरकार ने भी सबसे कई योजनाएं शुरू की। इन तीन सेक्टरों को आप कैसे देखते हैं? रियल इस्टेट जो सेक्टर है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको भी खासा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इन सेक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं बजट के लिहाज से?
देखिए, जो ये आपने तीनों बहुत ही अति महत्वपूर्ण सेक्टर बताए हैं जो कि सरकार को आगे और ज़्यादा फोकस करने होंगे और जिससे कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएंगे, इन्हीं सेक्टर की तरफ से ग्रोथ आएगी। जो हाउसिंग सेक्टर आपने बताया वो एक मेन बैकबोन है जिसका के जिसकी सपोर्ट से जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटैक्ट रहती है, जिसके कंट्रीब्यूशन से हमारी जो डिमांड है उसको अच्छी सपोर्ट मिलती है। उसमें रिफॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे उसमें जो रिबेट्स हैं वो भी काफ़ी सालों से 2 लाख रुपए तक ही दिया जाता है टैक्स के ऊपर, तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उससे कि और ज़्यादा गति आएगी उस सेक्टर में, जो हाउसिंग डिमांड है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी हाई है तो लोगों को। और दूसरा जो आपने टूरिज़्म, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया की बैकबोन है जो कि इंडिया को और ज़्यादा तेज़ गति पे लेके जा सकता है। हमारे पास ऐसे टूरिस्ट स्लॉट्स हैं, स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छे से उनको डेवलप करके, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना हो। सरकार उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसके लिए कुछ उनको इंसेंटिवाइज करके, टैक्सेशन में कुछ मदद करके जो टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप करेंगे उनको कुछ, जैसे हम PLI में बेनिफिट्स देते हैं, ऐसे ही उनको इंसेंटिवाइज करके हम उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर जो कि अति ज़रूरी, जिसका हम एक 2020 में बहुत अच्छा पूरे विश्व ने देखा है कि हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर जो खास करके जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, खास करके जो डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ गति से बढ़ना चाहिए कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जब हम डेवलप्ड इकॉनमी बनना चाहते हैं तो जहाँ पे भी पॉपुलेशन है कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस में एक डिस्पेंसरी तो लोगों के लिए होना चाहिए। जी डॉक्टर नागेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि बात एनर्जी की आती है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ एनर्जी पर निर्भर करती है। सरकार ने सौर ऊर्जा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, आप कैसे इस सेक्टर को देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की अर्थव्यवस्था एनर्जी पर निर्भर करती है और उस तरफ हमारा जो अभी जो फोकस है वो सोलर, विंड और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स का भी अनाउंस किया गया एक अलायंस, तो उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। लेकिन और टारगेट है कि 2030 तक हम आधा जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से हम जनरेट कर पाएंगे, तो 500 गीगावाट का टारगेट है जो बहुत बड़ा एक मेजर टारगेट समझना चाहिए, क्यों अभी 150 गीगावाट पे है हमारी कैपेसिटी रिन्यूएबल की, तो उसे 500 तक अगले 6-7 सालों में ले जाना है, तो ये इसमें इतना बड़ा भारी निवेश होना करना पड़ेगा और उसका खाली निवेश की तरह से नहीं बट इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट कहाँ से आता है? अभी चाइना से जाता है, तो उसको जब तक हम अपने देश में नहीं बना पाएंगे, लोकलाइज उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको बहुत तेजी से बढ़ा नहीं पाएंगे जो निवेश होना है। तो इसलिए जो अभी इस दिशा में हमारे जो सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो PLI शुरू की गई है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और आई थिंक उसका इफेक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है, कई सारे नए प्लांट्स आ रहे हैं और अभी जल्दी से उनमें प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है, जो कैपेसिटी एक्सपेंड होगी उससे इस तरफ मतलब सोलर पावर की तरफ, रिन्यूएबल की तरफ हमारा जो कैपेसिटी क्रिएशन का टारगेट है जी, वो पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी और उससे अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हम उसे ले जाएं, धीरे धीरे सारी डिमांड अपने देश में बने हुए इक्विपमेंट पे ही शिफ्ट हो जाए, तो उनको एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं वो भी मिलनी शुरू होगी, उससे कॉम्पिटिटिवनेस और प्राइसिंग जो अभी इंटरनेशनल लेवल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है शुरू में उसे कम करने में भी आसानी होगी और उसको कम करने से जो हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उसे पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी जी। तो एक तरह से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एनर्जी के क्षेत्र में जी, रिन्यूएबल की तरफ झुकाव और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी, बट
काफी बड़ा पोर्शन अभी भी हमारा डिपेंडेंस वो कोल बेस्ड पावर पे रहेगा, लेकिन वहां पे भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करके, उसमें एमिशंस को कम करके हम उसे भी यूज कर पाए। डॉक्टर नागेश जी, ये हमारा ध्येय है। बिल्कुल बिल्कुल। निर्मला सीतारमण जी, 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश करेंगी, जाहिर तौर पर वो चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा रोड मैप भी पेश करेगा। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।